हेलो एवरीवन, मैं आज आपके पास फिर अब क्लास 12 HS का चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका मैं आपको सम देने जा रही हूँ। अभी मैं कंटिन्यू, अभी पहले से भी मैंने बहुत सारे सम दिए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया है, इतना सारे सम मैंने अपलोड कर दिए हैं, टोटल पार्ट 7 तक, और कल मैंने पार्ट 8वां दिया है, 28 नंबर सब। एक पार्ट में मेरा बहुत सारा सम आप देखिएगा। आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट समझना है तो पार्ट 1 देखिए, किसी भी चैप्टर का मेरे चैनल में आपको पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझना हो तो आप प्लीज़ पार्ट 1 ही देखिया करिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, तब आप समझ आइएगा। क्योंकि हर एक वीडियो में मुझे कॉन्सेप्ट देना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से मैंने हर एक चैप्टर का पार्ट 1 में मैंने अच्छे से दिया है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऐसे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के लिए तो नहीं आता, 3 डेढ़ 3 शॉर्ट्स में भी आ जाता है, और उसके ये नहीं आएगा तो आपको फिर डेथ, रिटायरमेंट और एडमिशन नहीं बनेगा, तो इसका आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का मेरा कमेंट आ रहा है कि इसका भी सम अपलोड करिए, तो इसी वजह से मैंने इतने सारे सम अपलोड किए थे। अब कल से मैंने यही स्टार्ट किया है, इस चैप्टर का चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेरे बुक में पेज नंबर 50 है, और ये जो सम्स नंबर है वो आपके डिफरेंट होंगे, आप सम मिलाइएगा, क्योंकि मेरा बुक एडिशन ओल्ड है, तो आप प्लीज़ अपना बुक से मैच करके, कल मैंने जो 28 दिया है पेज नंबर 50 का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का, महादेव और सन्नत से, नाम से या अमाउंट से आप मैच कीजिएगा सम्स। तो आज मैं देने जा रही हूँ इसी का पेज नंबर 50 का ही चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ही 29 नंबर। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि उसको समझने के लिए आप पार्ट 1 वीडियो देखिए, और वैसे भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको सिर्फ फार्मूला से ही समझ में आएगा, तो आप सारा ही पार्ट देखिए, कि कुछ कुछ पार्ट में, हर एक पार्ट में नया नया सुपर प्रॉफिट, किसी में एवरेज प्रॉफिट, किसी में नेट प्रॉफिट, किसी में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड, किसी में एसेट्स, ये सब ही है, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। इसी वजह से आप सारा पार्ट देखिए, और पार्ट 1 से ही आपको क्लियर समझ होगा, क्योंकि गुडविल होता क्या है वो मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया है, इसी वजह से आप वो सब देख के ही करिएगा कोई भी चैप्टर का ही। तो आज मैं 29 नंबर करने जा रही हूँ पेज नंबर 50 का। आपका पेज नंबर और सब नंबर भी चेंज होगा, जिसे मैंने सॉल्व कराया है उसका तो 33 नंबर है, ये देखिए, तो इसी वजह से मेरा आपका भी देख लीजिएगा। तो मेरे बुक में जो है 29 नंबर, वो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ द फॉर्म गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेट At 2 years purchase of the super profit, the firm employed a capital of ₹98,000. Average rate of return in this class of business is 12%. The actual profit earned is 20,000. ठीक है, कैलकुलेट करना है आपको, गुडविल बोला है इसमें। तो चलिए हम उसे कुछ भी समझा नहीं रहे, क्योंकि ये सब मेरा समझाया हुआ सम है, और कुछ भी इशू नहीं है, ऐसा मैंने अपलोड किया है, बट कमेंट आने के कारण मैं कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। देखिए, जिसका मैंने समझाया उसको 33 नंबर था, मेरे बुक में 29 नंबर है पेज नंबर 15 का, चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो जो मेरे बुक का है वो भी मैं लिख दूँ 29 नंबर, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसे ही सेम बनाना है सब कुछ, तो इसी तरीके से आपको करना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका कैपिटल कितना का दिया है, देखिए 98,000 है, तो यहाँ कैपिटल 98,000 हो गया। यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये देखिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको 12% बोला है यहाँ पर, ये रहा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ही, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ये रहा 12% मैंने लिखा। और याद रखिएगा, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ही किसके ऊपर होता है, कैपिटल के ऊपर होता है। लास्ट डे में मैं यही समझाई थी। तो आपका कैपिटल 98,000 है, उस पर आप 12% निकालिएगा तो 11,760, मतलब 11,760 मिल जाएगा आपको। और एक्चुअल प्रॉफिट कितना है आपका, देखिए ये रहा एक्चुअल प्रॉफिट आपका 20,000 है, तो यहाँ पे आप 20,000 रुपया लिखिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये जब भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल देगा तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, भले बोले ना, आपको समझना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या फॉर्मूला बनता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये सब फॉर्मूला आपको माइनस बिठाना पड़ेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना है 20,000, ये रहा 20,000, और एक्सपेक्टेड कितना हुआ 11,760, ये रहा 11,760, इन दोनों का माइनस कीजिए तो आपको 8,240 मिल जाएगा। अब गुडविल आपको कितना बोला था निकालने, कितने इयर्स के लिए, 2 इयर्स, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है 2 इयर्स, तो 2 से आपका जो ये सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट होने के कारण उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल जो गुडविल करते हैं उसका फॉर्मूला अलग होता है, सुपर प्रॉफिट आने से चेंज हो जाता है, उसी को लेके हमको करना पड़ेगा। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपका हो जाएगा 16,480, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये रहा मेरा सम,
और ये रहा आपका क्वेश्चन चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। और हाँ, एक और बात बोल दूँ कि अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशन लेना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करके आप नंबर तो वैसे दिया हुआ है उस नंबर पे भी, नहीं तो पहले आप कमेंट करिएगा, कॉल मत करिएगा, पहले आप कमेंट करिए तो मैं देखूँगी तो मैं बताऊँगी। और दूसरा बात, अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं उसे इम्पॉर्टेंट सम नवंबर मंथ से स्टार्ट करूँगी आप लोगों को, एकदम ट्रिकी सम्स, जिससे कि आप एकदम तरीके से जो स्टूडेंट्स कुछ नहीं किए हैं पूरे ईयर, उसके लिए मैं बनाऊँगी कि जिस तरह से भी वो पास हो जाए उस तरीके से। ऐसे तो ये गलत तरीका है पास होना ही, आजकल नहीं है, इतने परसेंट से कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं मुझे उस स्टूडेंट के लिए करना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन आ रहा है, सिलेक्शन में निकलने के लिए पास होने के लिए ये करना पड़ेगा। तो मैं नवंबर मंथ में ऐसा वीडियो बनाऊंगी और इम्पॉर्टेंट दूंगी और एकदम ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप क्लियर कर लीजिएगा अपना सिलेक्शन। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।